गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम प्रश्नावली 7 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण समझाने का प्रयास किया था या समझने का प्रयास किया था, और कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र भी समझाए गए थे। उनको एक बार दोबारा दोहराया करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला सूत्र क्या था हमारे पास, पहले सर्वसमीकरण क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरी सर्वसमीकरण क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र क्या था, कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस a माइनस b का होल क्यूब।
स्क्वायर बी प्लस थ्री ए घात चार माइनस बी की घात चार, और इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी होता है। लिख लीजिए ज्यादातर सब समीकरण एक दो तीन चार पांच और ये दोनों बहुत कम मुकाम नहीं के बराबर मेरे हिसाब से आते भी नहीं है, लेकिन निकलेंगे और कुछ कुछ नामे में काम नहीं। कक्षा 9 में भी तुमने पढ़ा सरल समीकरणों को हल करना, हल तो सभी करते हैं लेकिन इतना दिमाग सभी में बराबर नहीं होता कि वो सही तरीके से सभी हल कर सके। इसके लिए हमने कुछ नियम तैयार किए हैं, नियमों की सहायता से हम सभी उनको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण नियम लिख रहा हूं, उनको याद रखें और उनके अनुसार हल करने की कोशिश करें तो लगभग 90% सवाल उन्हीं से हल होंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय
हलनों को साइन थीटा व कोस थीटा में बदलते पहला नियम क्या हुआ हमारे पास? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? साइन और कोस, कोस एंगल सॉरी कोस, साइन और कोस के अतिरिक्त कोस एंगल कोस साइन और कोस के अतिरिक्त अन्य सभी त्रिकोण के लिए फलनों को किस निर्भर होते हैं? साइन और कोस। आगे बात समझो। अब साइन और कोस के अलावा कौन कौन से बच गए हमारे पास सूत्र? टैन, कोटसेक और कोसेक। तो उनको किस किस में बदलना? मान लीजिए सवाल में हमारे पास टैन आ जाए, क्या हो? टैन। तो टैन के स्थान पर हमें लिखना क्या होगा? साइन थीटा बटे कोस। मान लीजिए कोट आ जाए प्रश्न में, तो कोट के स्थान पर हमें क्या लिख रहा है? कोस थीटा बटे साइन। कोस और साइन ही होना चाहिए और किसी में नहीं आना चाहिए। साइन और कोस आ गए टैन के स्थान पर, कोट के स्थान पर क्या आ गया? कोस बटे साइन आ गया। अब क्या बच गया हमारे पास? सेक थीटा। और सेक थीटा का क्या होगा? वन अपॉन कोस थीटा, ठीक। और कौन सा बच गया? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे? वन अपॉन साइन। साइन और कोस के अतिरिक्त यदि ये मिल जाए हमें, तो इनके स्थान पर मैंने बता दिया क्या लिखना है? टैन के स्थान पर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट के स्थान पर कोस थीटा बटे साइन थीटा, सेक के स्थान पर वन अपॉन कोस थीटा, और कोसेक के स्थान पर वन अपॉन साइन। पहला। दूसरा, इसके बाद लघुतम लेकर अलकर क्या करते हैं? अलकर। आगे बस, जब साइन कोस में हम बदल दें तो इसके बाद हमें क्या करना, क्या करना है? लघुतम लेना। क्या लेना है? लघुतम के बाद हमें करना क्या है? इसके बाद लघुतम के बाद या तो बीजीय सर्वसमीकरण, बीजीय सर्वसमीकरण भी लिखाई करें वो, बीजीय सर्वसमीकरण या त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण या तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण या बीजीय सर्वसमीकरण प्रयोग में लेते हैं, कणों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। बोले समझ में आ गया? जब यहां तक प्रक्रिया हम हल कर देंगे तो केवल तीन स्टेप या दो स्टेप का सवाल बचेगा, उसके बाद तुम्हें नहीं आता है, तब भी हमें छह नंबर में से पांच नंबर तो मिले। हर कोई इन नियमों को फॉलो कर सकता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम हल करेंगे, इन नियमों को फॉलो करेंगे, अपने आप आगे का जो आंसर होगा अपने आप आपको आ जाएगा। आगे बस ये तीन मैथ। इसके बाद यदि
किसी सवाल में अंडर क्या हो, अंडर अंडर के सवाल आते हैं कुछ, यदि सवाल में अंडर हो तो आरोपा क्या करते हैं, परिमेय, आरोपा परिमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं बेटा, परिमेय। क्या करते हैं परिमेय। अगला नियम है यदि किसी सवाल में भाग 4, 6 और 8 को क्या हो, 4, 6 और 8 शर्त ये रहती है कि उसमें साइन कोस योग के रूप में, साइन कोस किसके रूप में हो, योग, योग मतलब ये किसका चिन्ह हो, प्लस का, तो 2 sin² cos² जोड़ते व घटाते हैं। यदि सवाल में भाग 4, 6 व 8 हो तो 2 sin² θ cos² θ जोड़ दे वे घटाते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते वे घटाते हैं, लेकिन ये शर्त है, लेकिन सवाल में sin θ वह cos थीटा योग के रूप में, मतलब दोनों के बीच में किसका चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह, किसका चिन्ह हो, प्लस का। एक और बचा है, देखिए सुनिए अगला क्या है, अगर किसी सवाल में हमें ये पता नहीं चले हमें करना क्या है, साइन कोस में बदलना, पहले से साइन कोस में हो तो आवश्यकता नहीं पड़े बदलने की, मान लीजिए पहले किसमें हो, साइन कोस में हो, आवश्यकता नहीं पड़ेगी बदलने की, इसके बाद लघुगम लेने के लिए बटे की संख्या नहीं, इसके बाद जब सर्वसमीकरण नहीं लगे, अंडा रूप में सवाल पर नहीं हो और घात भी उन पर नहीं हो, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में हमें एक ही चीज याद रखनी है, आरोपा परिमेयीकरण। यदि किसी सवाल में कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आरोपा परिमेयीकरण लिख देता हूं। मैं यदि किसी सवाल में कुछ भी पता नहीं चले कि कैसे हल करना है, तो आरोपा परिमेयीकरण, आरोपा परिमेयीकरण कर देते हैं, परिमेयीकरण कर देते।
क्या लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम लेते हैं। देखिए लघुत्तम क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा साइन स्क्वायर, और एक का लघुत्तम क्या होगा साइन स्क्वायर, ये होगा एक का भाग देंगे साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे कोस स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, दोनों को गुणा किसको इससे गुणा कर दिया, चिन्ह किसका है हमारे पास प्लस। अब इसका भाग देंगे साइन स्क्वायर का भाग साइन स्क्वायर बनेंगे, एक बार एक को इनसे गुणा करेंगे दोनों से, गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं वही संख्या आती है, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कॉमन cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, आगे यहां बच गया क्या sin स्क्वायर प्लस, क्या एक कोस 12 है बच गया, क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर, बोले समझ में आया था, आगे दो नियम हो गए sin cos में बदला, लघुत्तम लिया। अगला नियम क्या कहता है हमारा, या तो बीजीय समसमीकरण या त्रिकोण विधि, इसमें क्या है पहले बीजीय समसमीकरण भी लग सकती है, पहले त्रिकोण विधि कोई से पहले लग सकती है, ठीक है पहले त्रिकोण विधि लगेगी बाद में बीजीय लगेगी, पहले बीजीय लगेगी बाद में त्रिकोण विधि लगेगी, उल्टे सीधे कोई से भी लग सकती है, तो इसमें कौन सी लगेगी त्रिकोण विधि समसमीकरण पहली है, या तो त्रिकोण विधि समसमीकरण या बीजीय पहले समसमीकरण थे त्रिकोण में हमारी क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान क्या होता है, क्या होता है तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, और इनका मान क्या आ गया गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, एक से गुणा कर लिया आएगा, मैंने बताया था 90% सवाल ये हो जाएगा हल हो जाएगा, अब जब कुछ अंश बचता है ज्यादा होगा लगभग, मैंने कम बताया कि 90% होगा लगभग 99 हो गया, ऐसे एक ही बचा है तो क्या अपने नियम याद रखना होगा, अब हमें सूत्र याद होने दो, हमें क्या सिद्ध करना है कोट, क्या सिद्ध करना है कोट का सूत्र होता क्या है cos थीटा बटे cos थीटा बटे, वही तो है, तो क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे इसके स्थान पर cot थीटा, क्योंकि cos थीटा बटे sin थीटा का सूत्र क्या होता है cot थीटा स्क्वायर, दोनों पर है इसलिए यहां पर क्या लगा दिया इस पर, हमारे चस आया नहीं आया, तो क्या आ गया हमारे पास r h और f, नियमों का पूर्णतः उपयोग हुआ है बता देंगे,
बता दें का कौन सी आई इसमें सब समीकरण नंबर 3।
बेटा की जगह क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? cos स्क्वायर थीटा बटे क्या है? cos स्क्वायर थीटा। दोनों समान संख्या है, भाग देंगे क्या आ जाएगा? देखिए सवाल नंबर पांच। पांचवा सवाल में यह दर्ज है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर थीटा सेक। इन दोनों में अंतर किसका है? यहां प्लस है यहां प्लस है, कुछ भी नहीं तो क्या मान लेते हैं? तो देखिए अलग करने तरीका हमारा वही रहेगा जो हमने बताया। तो सबसे पहले एलएचएस, क्या एलएचएस? एलएचएस देखिए रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर। ये दरकार नियम क्या आ रही है? साइन कोस तो आए नहीं, बच गए बाकी, बदलना है बदलो। कोसेक का सूत्र एक बटे साइन स्क्वायर इसलिए क्या रखा देंगे प्लस सेक का क्या वन अपॉन कोस स्क्वायर इसलिए क्या रखा देंगे। अगले नियम पे आइए, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों आ जाएंगे, दोनों आगे लगा कर साइन का भाग दे, साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर पे एक से गुणा करने क्या आएगा? कोस स्क्वायर चिन्ह किसका? प्लस। कोस स्क्वायर का भाग देंगे, कोस स्क्वायर बटेगा क्या बचेगा? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा? साइन। आगे देखिए अगला नियम पे आ जाइए, या तो त्रिकोणमितीय समीकरण या बीजीय समीकरण, कौन सी प्रयोग में आई? त्रिकोणमिति। पहले समीकरण थी साइन।
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अगर तुम्हें याद नहीं रहे कि एक कहां से आया तो यहां लिख लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसलिए इसका मान क्या रख दिया हमने, अब देखिए सर थोड़ा सा सवाल बचा है, नियम प्रयोग में आ रहे हैं, थोड़ा सा बचता है। एक के नीचे दो है, एक के नीचे दो है, अब इन दोनों का अधिकार इसमें है या नहीं है, दोनों का है तो दोनों का भाग दो, एक किसमें, एक तो एक में पहले देंगे किसका, साइन स्क्वायर का, फिर एक में देंगे किसका, कोस स्क्वायर। समझ में आ गया, आप लिख दीजिए। देखो सूत्र किस किस के बन रहे हैं, एक बटे साइन किसका होता है, कोसेक का स्क्वायर, इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर, लगेगा कोसेक स्क्वायर, फिर क्या है वन अपॉन कोस किसका, सेक का, लेकिन स्क्वायर इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर, लगेगा सेक स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर है, आर एच एस किसके बराबर है, एन स्क्वायर। सवाल नंबर, सवाल ये है, वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन। सबसे पहले कौन सा फंक्शन करेंगे, एल एच एस, एल एच एस क्या दे रखा है, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन। अब कुछ चीज याद आ रहा होगा तुम्हें, याद आना भी चाहिए, नियम लिखवाए हैं क्या, अगर कोई सवाल अंडर रूट में हो तो क्या करते हैं, हरों का परिमेयीकरण, क्या करते हैं बेटा, हरों का परिमेयीकरण, यहाँ क्या कर देंगे हम, हरों का परिमेयीकरण, हरों का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करो, जब परिमेयीकरण करते हैं किसका, किसका, किसका कर रहे हैं परिमेयीकरण, हर का, किसका कर रहे हैं हर का, तो बदलना भी किसको पड़ेगा हमको, हर को, अंडर रूट को आगे बढ़ा दें, चिन्ह किसका देगा, हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं, इसलिए हर को दे वन प्लस साइन। जब हर का परिमेयीकरण करते हैं तो हर वाली संख्या का चिन्ह बदल देते, क्या बदल देते, चिन्ह बदल कर अंश व हर दोनों से क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो इसका चिन्ह बदलने के बाद क्या आ जाएगा, एक प्लस की जगह माइनस साइन थीटा।
बटे एक माइनस चिन्ह बदल कर दोनों जगह गुणा कर। आगे बात समझ में, अब इनको गुणा करने के साथ क्या क्या कहते हैं गुणा कर। देखिए एक जब गुणा करते हैं बटे वाली संख्याओं को, जब गुणा करते हैं अर्थात दोनों को जब गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं तब गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा। तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे। जब समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका क्या लगा देते हैं होल स्क्वायर, क्या लगा देते हैं होल स्क्वायर। जैसे 2 गुणा 2 करें तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ। 3 गुणा 3 करें तो किसका स्क्वायर हो जाता है 3 का। इसी प्रकार 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा समान है तो क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, क्या लगा स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन, 1 तो प्लस में है और 1 किस में है तो सर्व समीकरण लिखाई मैंने नीचे a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस ये लिखाया। इसका प्रयोग करेंगे तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस b का स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा साइन। अब कहेंगे गुरुजी ये a की क्यों आया है, आपको स्क्वायर आना चाहिए ना a स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं ना तो बताओ क्या आता a की आता। यहां लगना तो स्क्वायर चाहिए लेकिन उसका स्क्वायर भी तो क्या होता है a के ही होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या। आगे देखिए यहां देखिए हमें करना क्या है अंडर रूट, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें अंडर रूट है क्या नहीं है ना, तो अंडर रूट हटना चाहिए। अंडर रूट हटेगा कब, जब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर होगा। देखिएगा दोनों के ऊपर क्या होगा होल स्क्वायर, ऊपर तो होल स्क्वायर है लेकिन नीचे होल स्क्वायर नहीं है क्या, ये होल स्क्वायर के रूप में आना चाहिए। तो देखिए ऊपर की संख्या जो थी तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे एक सरल समीकरण बनी क्या नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर। तीसरी सरल समीकरण कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। अब आ गया अगली संख्या होल स्क्वायर लगाए चाहे स्क्वायर लगाए होल स्क्वायर माना जाता। तो देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर हो गया, वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों पे से अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी दोनों पर से क्या हो जाएगा बेटा हट जाएगा। जब अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों संख्याओं में से क्या हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर की संख्या में से स्क्वायर हट गया नीचे वाली संख्या में से भी स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास फोर। आगे बात समझ, जैसे पहले था पिछले सवाल एक के नीचे दो संख्या दो एक पर दोनों का अधिकार था, यहां पर भी ऐसा है ये दोनों का एक है, दोनों का क्या है एक, तो इसका स्वामित्व दोनों पर है तो दोनों में भाग देगा तो क्या देंगे 1 बटे cos थीटा चिन्ह किसका माइनस का और sin थीटा बटे cos थीटा का दोनों संख्याओं में अलग अलग क्या दे दिया भाग दे दिया, cos थीटा का भाग 1 में दिया चिन्ह किसका है माइनस का
थीटा में किसका आभार दिया? बोले समझ में आया? आगे एक बटे कोस थीटा, किसका सूत्र होता है? सेक, किसका होता है? सेक, चिन्ह किसका? माइनस। साइन बटे कोस किसका होता है? टेन। तो बोलिए ये आरएचएस के बराबर आया है नहीं आया? आ गया, लिख देंगे बराबर आर एच और एंस। प्रश्न सात, ये तुम्हारे नवीं क्लास में देख रहे एक एग्जांपल था, तुम्हारी याद करना था या नहीं था, मैंने वहां भी तुम्हें बताया होगा। मैं जब भी एक नवीं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ ये तुम्हारे दसवीं क्लास में जो होंगे। ये साइन अभी अलग करवाया था जो सवाल था, चाहे एग्जाम्पल में हो चाहे कुछ नॉलेज में, जरूर था। एक कोर्स का भी था जो आएगा, एक ये भी था एग्जाम्पल में था, ये था sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot था। क्या याद करिए, ज्यादा दिन नहीं है अभी तो। देखिए सबसे पहले हल करेंगे इसको, हल करने के जो नियम लिखवाए वो तो है ही हमारे पास, लेकिन उनसे थोड़ा सवाल बड़ा होता है तो इसलिए सरल तरीके से भी करवाएंगे। तो जो तरीका अपना हल करके करवाएंगे, तो देखिए पहले साइन को से बता दो जो हमने बताया। अब एक चीज तुम्हारे मन में आ रही होगी, गुरुजी इसी तरह को पंडा रूप लगा है तो हरों का परमेश्वर क्यों नहीं करते? बात सही है नहीं है भाई? मैंने तो लिखवाया था ना एक नियम कि अगर कोई सवाल पंडा रूप में हो तो क्या करते हैं? हरों का परमेश्वर। अब सभी के मन में ये आ रहा होगा, गुरुजी ने बताया होगा कि हरों का परमेश्वर जब अंडा रूप हो, लेकिन इसमें हरों का परिमेयकरण होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि मैंने लिखाया क्या था, हरों का परिमेयकरण करेंगे, लेकिन इस बिचारे में तो हर है ही नहीं। जब हर है ही नहीं तो परिमेयकरण करेंगे किसका? इसलिए इसमें हरों का परिमेयकरण तो नहीं होगा। अभी बात समझ में? तो अब हमारे जो पहले नियम लिखवाए उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के पास आते हैं। कब तुम ही समझ अंडर रूट वाले ने तो मना कर दिया, ये हर है ही तो परिमेयकरण करें किसका? तो जो
sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर LHS ये भी रखा है, देखिए कर लीजिए होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम ये
साहब एक का मान रखे तीन तीन रखे कौन सा, ये भी समस्या। लेकिन समस्या हमें नहीं है, क्यों हमें देखना क्या है कि यहाँ कौन से पद चल रहे हैं हमारे साइन और कोस, तो उससे संबंधित एक का मान उससे संबंधित ये। अगर sec और tan हो तो sec और tan वाला लगा देंगे, अगर cos और cot हो तो कौन से संबंधित लगा देंगे, तो कौन से पद चल रहे हैं साइन और कोस के चल रहे हैं, तो ये क्या आएगा एक का मान, तो क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा sin। अब ये आया कहां से ये मान, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर डिफरेंस एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब दोनों आगे प्लस का चिन्ह, अब दोनों में अलग अलग भाग यहां देगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन, इस संख्या का भाग दोनों में अलग अलग, पहले इसमें दे दिया चिन्ह किसका प्लस का, अब इसमें दे दिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर बटे कोस थीटा साइन, दे दिया अलग अलग भाग हल करने का। देखिए इस साइन थीटा से इसका स्क्वायर कर रहा है, इस कोस थीटा से इसका स्क्वायर कर रहा है, तो क्या बच गया साइन थीटा बटे क्या बचा कोस थीटा, यहां क्या बचा कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन बटे कोस किसका सूत्र होता है टेन का होता है बेटा टेन थीटा, प्लस कोस बटे साइन किसका होता है